ये जो टाइम है साल का, ये वो टाइम है जिसमें कक्षा नवी का हर एक बच्चा अपने पूरे साल के सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में होता है, क्योंकि लास्ट में जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तब तो एक क्लियर फोकस होता है कि कहां पर ध्यान रखना है। ये वो टाइम है जब हमको कुछ पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है और कैसे करना है। अब मैक्सिमम बच्चों की हाफ ईयरली होने वाली है अगस्त या सितंबर से, अगस्त एंड या सितंबर के टाइम पे। तो ये जो अगस्त का महीना आने वाला है, ये जो जुलाई के कुछ दिन बचे हैं, अगस्त का महीना आने वाला है, ये हमारे साल का सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपनी लीग प्रैक्टिस करते हो। क्रिकेट मैच के अंदर फाइनल मैच होता है, सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है, उसके पहले की जो प्लेऑफ वाला टाइम होता है जब आप अपना स्कोर इंप्रूव करते हो टेबल के अंदर, ये वो टाइम है। क्योंकि यहां पर जिन बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया ना, बिल्कुल क्लूलेस हो गए, वो पूरे साल क्लूलेस रहने वाले हैं। अब भैया हमारे पास में बैकलॉग इतना सारा है, हमने पीटी 1 के पहले के चैप्टर ठीक से पढ़े हुए नहीं है, हमारी हाफ ईयरली का टेंशन अलग है, उसके ऊपर हमें कॉपी कंप्लीट करनी है, हमारे असाइनमेंट्स आने लग गए स्कूल के अंदर, वो भी कंप्लीट करना है, फिर हमारे पास में कोचिंग का पढ़े या स्कूल का पढ़े, हम इस टाइम पे इतनी भसड़ में फंसे हैं कि हमको कोई निकाल दो, और मैं तुम लोगों को निकालने के लिए आ गया। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स, वेल आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़े। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि जुलाई से लेके हाफ ईयरली या इनफैक्ट आपके आने वाले कुछ महीनों तक आपको किस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे क्लूलेस हो ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि साल भर आप किस क्लूलेस वाली स्टेट में रहने वाले हो। क्योंकि एक बार जब हाफ ईयरली निकले, उसके बाद त्योहार आएंगे, उसके बाद स्कूल के अंदर फंक्शंस होंगे, उसके बाद आपका एनुअल फंक्शन होगा, स्कूल की ट्रिप होगी, दिवाली निकल जाएगी, दशहरा निकल जाएगा, क्रिसमस निकल जाएगा, ये सब करते करते साल कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ एक दो महीने जो पता चलते ना हमें पूरे साल में, वो यही जुलाई अगस्त सेप्टेंबर वाले महीने होते हैं, जिसमें सेप्टेंबर आपका हाफ ईयरली खा जाएगा। तो बच्चे आपके पास में डेढ़ महीने जहां पर आपको अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखना है कि मेरा ये पाथ है तो यही है। तो देखो, एक चीज अपने दिमाग से बिल्कुल क्लेरिफाई कर दो कि पीटी के मार्क्स बिल्कुल कतई ही आधा परसेंट भी मैटर नहीं करते। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ दो बार फेल हुआ स्कूल के अंदर, एक हुआ था 9th की पीटी 1 के अंदर या शायद पीटी 3 के अंदर फेल हुआ था, और एक बार 12th के प्री बोर्ड में फेल हुआ था। इसके अलावा मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। क्या मैं ये याद करके रोता हूं आज की और मैं 9th की पीटी 3 में फेल हो गया था बैठ के? नहीं। क्या मैं ये याद करता हूं कि मैं 12th की प्री बोर्ड में फेल हो गया? नहीं। मैं 12th का अपने रिजल्ट लेके घूमता हूं कि भैया मैं स्कूल के टॉपर्स में से एक था। अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने दिन को कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि आज के दिन में मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ाई करनी है। अब पता है सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, जो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज चल रहा होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? असाइनमेंट कर रहे हैं, कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं। भैया बैठ के हम तो ना, हमको ना ट्यूशन में वो होमवर्क दे दिया था, तो भैया हम वो होमवर्क कर रहे हैं। अरे भाई, ये सब चीजें आप तब करो जब आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है। कॉपी कंप्लीट करनी है ना, छापोगे किसी और की कॉपी से? कोई ऐसा तो है नहीं कि दिमाग लगा रहे हो उसमें, जहां जहां भी छपाई करनी है, होमवर्क कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मैक्सिमम टाइम मुझे पता है, तुम्हें पता है कि तुम क्या करते हो? एक बच्चे ने होमवर्क कर लिया, भाई देखो हमारे टाइम पे तो ऐसा व्हाट्सएप नहीं चलता था, मतलब ऐसा बूढ़ा नहीं हूं, बट ऐसा नहीं होता था कि भाई फटाफट सबको मिल जाता है। अब क्या होता है, एक ने होमवर्क किया, ग्रुप पे आया, सबने छाप लिया। तो जो छपाई वाले काम है, ये अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव टाइम पे मत करो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप सुबह जल्दी उठते हो, आपने सोचा कि भाई मैं 5 बजे उठूंगा, अब 5 से 6 में मैं अपनी थोड़ी एक सेल्फ स्टडी का एक रिवीजन या एक रीडिंग लगाऊंगा। इस पीक टाइम में जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा हाई ऑन एनर्जी है, इस टाइम पे आप कॉपी कंप्लीट मत करो ना बैठ के। आप कॉपी कंप्लीट कब करो? जैसे फॉर एग्जांपल, वो भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मत करो, ठीक है, 9 से 11 आप रात को सेल्फ स्टडी करते हो, है ना? आपने सोचा कि भाई मैं 11 बजे तक सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपका पीक टाइम है 10:30-11 तक आते आते आपका दिमाग थोड़ा स्लो डाउन होना चालू है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात होना ही है। इसके बाद में जो अगला आधा घंटा है, आप यहां से भले 15 मिनट एक्सटेंड कर लो, बट इसके बाद जो अगला आधा घंटा है जहां पर आपका दिमाग थक चुका है, उस टाइम पे आप कॉपी कंप्लीट करने वाला काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊं क्या है, सबसे अच्छी टेक्निक, कि जिसका काम है ना उसको वहीं पे सॉल्व कर दो। क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक पैटर्न चलता है कंटिन्यूटी का, उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं आपके लिए सिंपल भाषा में। कंटिन्यूटी क्या होती है कि आप स्कूल से आए, अगर आप स्कूल से आते से स्कूल का काम कर लोगे तो आपका दिमाग बहुत फास्ट उस काम को कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में होमवर्क दिया है, आधे घंटे का काम है, अगर आप स्कूल से घर आते से कर लेते हो ना, और अगर आप ये 10 दिन के लिए फॉलो करते हो, प्लीज 10 दिन तक ये चैलेंज मेरा फॉलो करो, आप 11वें दिन देखोगे कि आपका स्कूल का होमवर्क जो आधे घंटे का होता है वो 20 मिनट में होने लग गया, क्योंकि आपके दिमाग को कंटिन्यूटी की ट्रेनिंग मिल गई। आपको पता है कि आप स्कूल से आए हो घर पे 2 बजे, तो 2 से 2:30 में आपने बिना ड्रेस चेंज के, बिना कुछ के, फटाक से वो काम कर लिया। तो जो काम आप शाम को पूरा प्रिपेयर होके, पूरा मन बना के बैठते हैं कि भैया अब होमवर्क करने बैठेंगे, अरे यार फिर फोन थोड़ी देर चला लिया, फिर ऐसा कर लिया, तब जब आप स्कूल से आए हो, भले थक हार के आए हो, कैसे भी आए हो, आप उसी ड्रेस में हो, उसी यूनिफॉर्म में हो, उस यूनिफॉर्म में ही उसका काम कर लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको लगता है भैया बहुत सारा पढ़ने से नंबर आते हैं, रिवीजन करने से नंबर आते हैं, ठीक है, आपने एक चैप्टर को भले ही एक बार में 10 घंटे पढ़ लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उस चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट करो, और बचे हुए 8 घंटे आप एक एक घंटा करके हर वीक रिवीजन करोगे ना, तो वो चैप्टर स्ट्रांग बनेगा। रिवीजन इज मच ग्रेटर देन लर्निंग, क्योंकि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं ना, टॉपर जो बनता है ना, वो ज्यादा पढ़ के नहीं बनता, वो ज्यादा रिवाइज करके बनता है। आपको एक चैप्टर को बहुत थरोली पढ़ो ना पढ़ो, बट उसको जितना आपने पढ़ा उतना अगर रिवाइज नहीं किया तो आपके नंबर नहीं बनेंगे, ये कटु सत्य है। अब रिवीजन कैसे करना होता है, हम क्या करते हैं, भैया किताब खोली और किताब खोल के रिवीजन करना चालू कर दिया, है ना, रीड कर रहे वापस से ये करके, उसको रिवीजन नहीं बोलते, उसको री रीड करना बोलते हैं। रिवीजन उसको बोलते हैं कि आपने किताब खोली,
आपने उसके ऊपर हाथ रखा, आंख बंद करी और रिकॉल करने की कोशिश की कि आपने क्या पढ़ा था, उसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। उसको बोलते हैं कि आप दिमाग से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो। आपने जो अपने दिमाग का, आपका समझो लॉजिक सी बात है, आपके दिमाग का एक स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम के अंदर आपने 10 चीजें फीड की हुई है ना, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने चीजें फीड की हुई है, और ये है यहां से आपको चीजों को रिट्रीव करके मसल में लाना है। मसल मतलब आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने दिमाग के मेमोरी हाउस से उन चीजों को अपने मसल मेमोरी में लाना है। वो कैसे करोगे? रिट्रीव करके। और रिट्रीव आप कब कर सकते हो? अपने दिमाग पे लोड दोगे। आप क्या करते हो, आपने क्या किया, रिवीजन के नाम पे आपने क्या किया, वापस से देखना चालू कर दिया। तो आपके जो मेमोरी में आ रहा है ना, वो दिमाग से रिट्रीव होके नहीं आ रहा है, वो आपकी आईज से रिट्रीव होके आ रहा है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक हम नहीं समझ पाते हैं। हम आंखों देखी को बार बार रीड कर रहे हैं, उसको रीड बोलते हैं, रिविजन नहीं बोलते। रिविजन तब होता है जब आप रिट्रीव कर रहे हो, आप चीज को खींच के ला रहे हो, तब इसकी एक्सरसाइज होगी। आप भले ही अपनी आंखों को 50 बार यूज कर लो, इसकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो ये किसी काम का नहीं है। और जितना भी रिवीजन करो, एक्टिव रिकॉल के साथ करो, इस चीज को 2 बार प्रैक्टिस करो। एक बार तो आप तब प्रैक्टिस करो जो आपने सबसे पहले पढ़ लिया। आपने कोई चीज पढ़ ली, अब पेज पलटाने से पहले एक बार रिकॉल करो, वो पहला एक्टिव रिकॉल है। और दूसरा करो एक नींद के बाद। अब इतनी सारी चीजों के बाद में हमारे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि भैया मान लो आने वाले कुछ टाइम में एग्जाम है तो हम पढ़ें क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है। अब आप बहुत सारा पढ़ने से ज्यादा अच्छे नंबर लेके नहीं आ सकते, आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो हमेशा अपने टाइम के अंदर, अपने दिन के अंदर प्रैक्टिस का टाइम डालना है। अपने डेली रूटीन में ये मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो। आपने भले फिजिक्स का कोई कांसेप्ट पढ़ा, आपने उस कांसेप्ट को पढ़ने में 1 घंटा लगाया, उसके बजाय आप उस कांसेप्ट को पढ़ने में 40 मिनट लगाओ और 20 मिनट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये 60 मिनट जो आपने पढ़ा है वो कांसेप्ट नहीं आएगा, जो 20 मिनट में आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना वो आएगा। उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब उस प्रैक्टिस के लिए जो मैं पीडीएफ देता हूं, या आपको अगर अश्योर एवेच में हो, आपके पास में एक्सेस है दूसरे मटेरियल का, तो आप वो यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। मैं तो हमेशा बोलता हूं रेफरेंस किताबों की जरूरत नहीं है। अगर किताबें खरीदनी ही है तो आप रेफरेंस बुक्स की बजाय क्वेश्चन बैंक खरीदो। जैसे अब मैं पर्सनली मैंने जो अपने टाइम पे यूज की थी वो थी ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। बहुत अल्टीमेट है, हर चीज का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हर चैप्टर के पहले फ्लो चार्ट है, आपको क्वेश्चन है, सब कुछ है, ठीक है। तो जो अश्योर प्रो बैच के अंदर उन लोगों के घर पर डिलीवर हो रही है, बट अगर आप बाय चांस बैच के अंदर नहीं हो, आपको बुक परचेस करनी है, तो आप वो खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक दे दूंगा। अब इस पूरे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम गोल कैसे सेट करें। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि हम कल का डिसाइड कर लेते कि भैया हम जो टुमारो कल के दिन क्या करेंगे, कल हम सिविक्स का पहला चैप्टर कर लेंगे, कल हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर कर लेंगे, कल हम फिजिक्स का पहला चैप्टर कर लेंगे। अब होगा क्या कि अगर मान लो कल इनमें से एक भी चैप्टर का मिस हो गया, या जनरली जब भी हम 3 चैप्टर या 2-3 चैप्टर के बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फेक अजम्पशंस लगा के बैठते हैं, तो हमारा एक चैप्टर होता है वो भी आधा। ये बिल्कुल असलियत की बात है और इसे बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें गोल सेट करने का तरीका ही हमारा गलत है। हमको हमेशा वीकली गोल सेट करना है। आपका वीक मंडे से लेके संडे तक का पूरा डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि भैया आज के दिन तो सैटरडे है या संडे है तो मैं मंडे को बैठ के डिसाइड करता हूं, ये नहीं। आज डिसाइड कर लो कि अभी का बचाओ वीक और अगला पूरा वीक कैसा दिख रहा है। मंडे से लेके सैटरडे तक आपका बन गया पूरा स्केड्यूल, बनना चाहिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। फिर इसमें आपका पूरा एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि भैया मैं 7 बजे उठूंगा, फिर मैं 8 बजे ब्रश करूंगा, फिर मैं 9 बजे नहाऊंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, फिर मैं 3 बजे घर आऊंगा, फिर मैं 4 बजे तुमको लगता है मैं ये बकवास करूंगा वीडियो के अंदर आके? कभी जिंदगी मैंने ऐसी बकवास की तुमसे? ना भाई, ये टोटल दिस इज टोटल बकवास। इसकी बिल्कुल नहीं सुननी है, इसको इग्नोर करो। कि ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी कि 7 बजे उठ जाऊंगा, 8 बजे पढ़ लूंगा, 9 बजे पढ़ लूंगा। कभी हो पाया तुमसे ऐसा? मुझसे भी नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। तो जब सामने वाला वो गलती कर चुका है तो वो गलती वापस से रिपीट करना मूर्खता है। तो वो मूर्खता तुम लोग मत करो, क्योंकि तुम मेरे भाई बहन हो, तुम मेरे दोस्त। मैं चाहता नहीं हूं कि तुम कोई भी ऐसी गलती करो जो मैंने की है, जो मेरे साथ हो चुका है वो तुम्हारे साथ ना हो, यही तो मैं करने के लिए बैठा हूं। तो हमको सबसे पहले तो वीकली स्केड्यूल बनाना है। हर दिन को ऐसे डिवाइड करना है कि हम मैथ्स को रोज लेके चले। अब मैं ये नहीं बोलता कि भैया मैथ्स को 2 घंटा पढ़ो, तो मैथ्स के लिए आधा घंटा निकालो, बट मैथ्स तुम्हारे लिए ब्रश करना नहाने जैसा रेगुलर काम होना चाहिए। भैया हम तो रोज नहाते ही नहीं है। मैथ्स को रोज रखना इसलिए जरूरी क्योंकि आज सिर्फ अगर आप आधा घंटा 20-25 मिनट आधा घंटा निकाल के मैथ्स को देते हो ना रोज, तो ये आपके लास्ट में जाके आपका 90% पूरा जो बोझ है दिमाग से हटा देगा। और इस टाइम पे मैथ्स के साथ में हमको कौन से सब्जेक्ट चलाना है, आप अल्टरनेट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका साइंस वीक है तो आप वीक में साइंस ज्यादा रख दो कि भैया हमने 2 दिन साइंस किया, 1 दिन फिर एसएसटी कर लिया, फिर वापस साइंस साइंस और फिर वापस एसएसटी। अब ये हो गए 6 दिन, बचा हुआ 1 संडे का दिन है। इस संडे के दिन हम बैकलॉग क्लियर कर रहे हो। अभी सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो डेली का टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसा दिखे। कि भैया मान लो 20 तारीख का दिन है, या मान लो 20 तारीख को फॉर एग्जाम्पल मंडे लेट्स से है ना, अज्यूम कर रहा हूं मैं, इस दिन मैं ना ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर इसके बाद में ट्यूसडे 21 तारीख को है, इस दिन मैंने फलाना चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ये कतई ही नहीं करना है। ये रेगुलर टाइम टेबल होता है, इसको फॉलो नहीं करना। हमको रेट्रोस्पेक्टिव टाइम फॉलो करना है। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि यहां पर हम टाइम को एज अ फंक्शन ऑफ टास्क देखते हैं।
हम टास्क को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं देखते। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब सिंपल सा है कि हम यहां पर ये नहीं देखते कि हमें 21 तारीख को क्या करना है, हम ये देखते हैं कि हमारा टास्क क्या है। भैया पहले वो बताओ आप, अच्छा आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक है। अब हमारे लिए प्रायोरिटी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ना है, हमारे लिए प्रायोरिटी डेट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए प्रायोरिटी डेट नहीं है, हम क्या करते हैं डेट लिखते और फिर टास्क लेते, तो सबकॉन्शियसली हमको ये लगता है कि इस डेट पर यह टास्क होना चाहिए। तुम क्या करो, टास्क लिखो। अब इसको डिफाइन कर दो कि मुझे ये कैसे भी करके, इससे प्लस वन का दिन ले लो, मुझे ये कैसे भी करके 22 तारीख के पहले करना है। अब बाय चांस आप 21 को प्रॉपरली नहीं कर पाते हो, तो आपको एटलीस्ट वो दिमाग में रहता है कि आपको इसको 22 के पहले करना है। और अगर मान लो आपका एक वीक का टाइम बना हुआ है, आपने एक पूरे हफ्ते का बना लिया कि भैया हमको मंडे से लेकर संडे तक ये फलाने चैप्टर्स करने हैं, इस वीक को रेट्रोस्पेक्टिव बना के मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, मुझे 5 चैप्टर्स करने हैं। अब इन 5 चैप्टर्स को जब आप अपने डेली स्केड्यूल के हिसाब से कि भैया आज के दिन साइंस करना था तो आपने साइंस का वाला चैप्टर उठा लिया, जब आप ऐसे करने लगोगे ना तो आपको टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा, आपको टास्क कंप्लीट करना प्रायोरिटी है। भैया ये नहीं कि 21 को नहीं हुआ तो छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, 21 को हमने सोचा था कि केमिस्ट्री का चैप्टर 3 करूंगा, नहीं हो पाया तो छोड़ दिया। ये नहीं करना, इसको कंप्लीट करना है वही के वही, क्योंकि अगर तुमने ये 21 तारीख को नहीं किया तो तुम साल भर कभी नहीं कर पाओगे। ये कटु सत्य है कि हमारे क्या हुआ है, आप में से मैक्सिमम बच्चों के शुरू शुरू के फर्स्ट चैप्टर्स रह गए होंगे ना, हमको लगता है कि यार भैया फिजिक्स का पहला चैप्टर उतना ढंग से हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे तो हमें ना मौज मस्ती मार रहे थे। हम क्या सोचते हैं कि यार काम करते हैं, दूसरा चैप्टर तो ठीक है कर लेंगे, पहला चैप्टर जो हमारा छूट गया था ना, हमारा जो फिजिक्स का पहला चैप्टर छूट गया था, मोशन वाला चैप्टर छूट गया था, तो एक काम करते हैं पहले मोशन कर लेते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो ठीक है आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना, ये तो कर लेंगे, एक बार मोशन समझ आएगा फिर तो कर ही लेंगे। ये सोचते हैं हम, बहुत अच्छे, बहुत गलत सोचते हो, ऐसा कतई ही नहीं करना है। हमें कभी भी बैकलॉग जो हमारे पीछे छूटा हुआ है उसको प्रेजेंट वाली चीज को सैक्रिफाइस करके नहीं करना है। आज जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आज जो प्रणय भैया ने पढ़ाया है, आज जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, उसको आज ही करना है। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं जो छूट गया, आपकी प्रायोरिटी ये जो आने वाला है, क्योंकि कोई भी चैप्टर आपके पूरे के पूरे साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर हार्डली कोई ऐसा टॉपिक होगा जो पिछले चैप्टर से रिलेटेड होगा, और थोड़ा बहुत होगा भी तो टीचर उसको वहां पर समझा देगा। आपको पिछले चैप्टर को लेके अभी नहीं बैठना, अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका आने वाला पूरा साल बर्बाद होते जाएगा, क्योंकि जब सब लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं आप मोशन बैठ के पढ़ रहे हो, फिर जब तीसरे चैप्टर पे चले गए ग्रेविटेशन पे तो आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लेके बैठ गए, तो आप पूरे साल भर पीछे रहते जाओगे। इससे सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है कि जब भी हमारी छुट्टी होती है इसको बिल्कुल लिख के रख लो कि बैकलॉग को बिना छुट्टी वाले दिन करना ही नहीं है, जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन बैकलॉग करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन चलता है भैया स्कूल की सुने कोचिंग की सुने, स्कूल में भैया चैप्टर नंबर 2 करा रहे हैं, कोचिंग में चैप्टर नंबर 5 करा रहे हैं, वो अलग ही स्पीड पे चल रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शॉर्ट बैच के अंदर है तो वो बोलते हैं भैया हम आपके सुने स्कूल की सुने कोचिंग की सुने। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? अगर आपका स्कूल ऐसा है जो कि आपके टेस्ट के मार्क्स को बहुत सीरियसली लेता है तो स्कूल की सुनो, क्योंकि सब कुछ है स्कूल के ही सप्लीमेंट। मैं आप लोगों को स्कूल से बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं पर मैं आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकता। आपको सुनना स्कूल की इसलिए है क्योंकि वो आपको मार्क्स देंगे और उनके हिसाब से पेपर बनने वाला है, उनके हिसाब से हाफ ईयरली बनने वाली है। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा कि आप जितना आपके स्कूल वाले आपकी हेल्प नहीं कर पाए उससे ज्यादा आपको कंटेंट में लाके दूं, बट एट दी एंड आपको किसके टाइम के हिसाब से चलना है वो स्कूल के टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आज शौर्य बैच के अंदर तो आप ना केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे और कल मेरे ना एग्जाम है जिसके अंदर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आ रहा है तो मैं तो आपके सुनूंगा और सेकंड चैप्टर। नहीं नहीं भाई वो मत करो, मैं तो उस टाइम बोलता ही हूं कि मेरी उस टाइम पे मत सुनो जो मैं बोल रहा हूं, वो चैप्टर बाद में कर लेना, अभी ये कर ले जो कल आने वाला है। तो हमेशा इस चीज में क्लियर रहना कि हमें किसको प्रायोरिटी मानकर चलनी है। आई होप कि अब से आने वाले टाइम तक आप लोगों का दिमाग क्लियर हो गया होगा कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। आज के वीडियो के क्या क्या रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस ये हैं कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर दूंगा, वो कैलेंडर आप लोग डाउनलोड करके रख लेना जिससे आपको पूरे आने वाले कुछ महीनों का लेआउट मिल जाएगा और उसमें आप भर सकते हो प्रिंट आउट निकाल के। दूसरा आप लोगों को एक शीट दूंगा जिसके अंदर आप अपने बैकलॉग को नोट कर सकते हो, वैसे तो अपने नॉर्मल कॉपी के अंदर भी कर सकते हो बट क्या होता है कि जब प्रिंटेड चीज होती है ना तो थोड़ा कूल लगता है, हमको मजा आता है करने में। मैं तुम लोगों की भावना समझता हूं कि भैया वो बोरिंग पेपर के ऊपर लिखने में मजा नहीं आता, हमको क्या चाहिए भैया एक बढ़िया से डिजाइन बना के दो आप, उसकी प्रिंट आउट लाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे मजा आएगा। तो वो चीज मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, आप लोगों को मजा इसलिए, ठीक है। और साथ में नोट्स को रेगुलरली फॉलो करते रहना जो आप लोगों को पढ़ने के ऐप पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट मींस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।